Jnanatimrandasya Jnananjanushalakaya Chakshunmilitam ena Tasmai Shri Gurve Namah. Shri Chaitanya Manobhistam Isthapitam En Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svabhadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutpadakamalam Shri Guru Nureshnavascha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvetam Savadhutam Parijan Saitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitascha He Krishna Karuna Sindho Dīna bandho jagat pate Gopesh gopika kant Radha kant Namostute Radha kant Namostute Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Jai Gopal Aaiye mere priya behan bhaiyo satsang premi jano swagat hai aapka hardik भागवत गीता के सत्संग में भगवान श्री कृष्ण सभी जीवों के सुहृद हैं भगवान ने स्वयं ने कहा है अनेकों बार भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति ऋच्छति सभी प्राणियों के सुहृद हैं आइए हम उनको प्रणाम करें उनके श्री चरण कमलों में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नष्ट की ओ शांति 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 जय गोपाल श्रीमद् भागवत गीता में सातवें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश किए हैं और अर्जुन के माध्यम से हम सभी के लिए आने वाले पीढ़ियों के लिए युगों के लिए ये सनातन धर्म जो सभी का कल्याण करने वाला है भगवान ने उपदेश किए हैं इस ज्ञान के भगवान कहते हैं कि अर्जुन चार प्रकार के व्यक्ति मेरी शरण में आते हैं मेरी शरण ग्रहण करते हैं चार प्रकार के
और चार प्रकार के व्यक्ति मेरे से दूर रहते हैं, मुझे नहीं पहचानते, वो मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। आइए तो इन्हीं श्लोकों के ऊपर आज प्रकाश डाला जाएगा। भगवान कहते हैं कि नैमान दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपरित ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता। पिछले सत्संग में इसके विषय में बोला गया था, लेकिन कुछ और थोड़ा स्पष्टीकरण यहां पर है, सो सुनी। नैमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। हे अर्जुन, चार प्रकार के व्यक्ति मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। एक तो जो नरों में अधम होते हैं, अधम श्रेणी के जो नर होते हैं, अधम कहते हैं गिरे हुए, जो धर्म के पथ पर नहीं है, जो अधर्म के पथ पर है वही अधम है। दुष्कृतियों जो बुरे कर्म करते हैं, नीच कर्म करते हैं। तीसरे हैं जो मूर्छित हैं, मूढ़ा, जो अज्ञानता में भटक रहे हैं, अनकॉन्शियस है, अनकॉन्शियसली अपने जीवन को जी रहे हैं, मूर्छा में है, उनको होश ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार का मूर्छित व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता। जो अचेतन अवस्था में पड़ा है उसको भला क्या ज्ञान। अचेतन आदमी हो तो उसके साथ में कुछ भी किया जा सकता है, उसको होश नहीं होता। मैंने देखा है बंबई के अंदर शराब पी के आदमी नाली में गिर गया है, सड़क बह रही है, लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, लेकिन एक कुत्ता कहीं से चला आया और उस आदमी के ऊपर टांग उठा के पेशाब कर दिया, बिल्कुल एग्जैक्ट मुंह के ऊपर, और कई लोग इस बात को देख के आश्चर्यचकित रह गए कि सुना तो बहुत था, आज आंखों से देखा है कि देखो किस तरह से कुत्ते पेशाब। फिर भी उस व्यक्ति को तो मालूम नहीं है, वो तो अपने हिसाब से स्वर्ग के सपने सजोए हुए पड़ा है। कौन व्यक्ति है जो सिकंदर नहीं बनना चाहता? कौन व्यक्ति है जो स्वर्ग जैसे सुख भोग नहीं करना चाहता? सभी के मन में ये अभिलाषाएं होती है, बेशक कोई उसको सामने रखे या न रखे, किसी को बताए या न बताए, इन सभी के अंदर सिकंदर बनने की ख्वाहिश तो होती है। तो ये शराबी भी सपने सजोए, अनकॉन्शियस में स्वर्ग के सपने देख रहा है, उस दशा को भी ये महान आनंदमय दशा समझ के स्वप्न देख रहा है, न जाने क्या क्या। वैसे ही जैसे इंद्र को शाप लगा था बृहस्पति जी का, सुअर बन गए थे एक जन्म के लिए ये धराधाम पर पृथ्वी पर, लेकिन ये 12 वर्ष का समय सुअर की योनि का होता है तकरीबन, बृहस्पति जी आए लेने कि चलो सिंहासन इंद्र का खाली पड़ा है, उस नालायक को लेके आऊं, बदतमीजी तो काफी की उसने। हुआ यूं था कि इंद्र तो भोगी विलासी व्यक्ति है, हजार नग्न अप्सराएं जब तक नीस घेर लेती चारों तरफ से, तब तक इंद्र सिंहासन पर बैठता नहीं, चलता नहीं, भ्रमण नहीं करता, इतना ऐश अय्याशी का वो पद है स्वर्ग लोकों का, वो देवताओं के राजा हैं। एक दिन अप्सराओं के साथ में सुरापान कर रहे थे इंद्र, जैसे अमेरिका में तो ये बड़ा भारी चलन है
सभी लोग सुरापान में लगे रहते हैं। कल मैं न्यूज़लेटर में पढ़ रहा था कि भारत में भी स्कूल के विद्यार्थी, 12वीं कक्षा के विद्यार्थी 45% शराब पीने लगे हैं, वीक में 2 दिन ही सही। लेकिन लिखने वाले ने यह भी लिखा कि आने वाले 10 साल में 100% 12वीं क्लास के स्टूडेंट, बीए के स्टूडेंट सब शराब पीने लग जाएंगे। तो इसमें दोष किसका है? भारत सरकार तो शराब बनवाती है, भारत में सरकारी शराब के ठेके हैं चारों 10 दिशाओं में। शराब जहर है लेकिन गवर्नमेंट पिलाती है, अपने सिटीजन्स के लिए शराब पिलाती है। जुआ के अड्डे हैं, लॉटरी क्या है? जुआ के अड्डे, लॉटरी हो, घोड़ों की रेस कोर्स हो और विभिन्न प्रकार की चीजें, वेश्याओं के लाइसेंस भारत में मिलते हैं, तन बेचो। तो फिर बचा क्या? हर तरह का स्लॉटरिंग भारत में होता है, सारे एनिमल्स वहां कटते हैं, सारे विश्व में यही हो रहा है। भारत के ऊपर कोई अलग से ब्लेम नहीं कर रहा। या भारत में मैंने जन्म लिया है तो मैं भारत का पक्ष भी लेना कुछ ठीक नहीं समझता। यदि मेरे अंदर कोई गलती है तो गलती है, उस गलती का सुधार करना मेरा एक कर्म है, एक ड्यूटी है। तो या तो मैं अपने से चैतन्य हो जाऊं उसमें सुधार लाने के लिए, या कोई मुझे जगा दे कि तुम ये गलती कर रहे हो। बृहस्पति जी सुरापान कर रहे थे, बृहस्पति जी के शिष्य इंद्र जी सुरापान कर रहे थे। बृहस्पति जी गुरु हैं, वो सुरापान नहीं करते। बृहस्पति महान सप्त ऋषियों में, बृहस्पति जी के शिष्य इंद्रदेव सुरापान कर रहे थे अप्सराओं के साथ में, हजारों नग्न अप्सराएं, मदिरा पान हो रहा है, स्वर्ग की मदिरा कुछ विशेष रंग बिरंगी दृश्य दिखाने वाली होगी, है तो वो भी शराबी। शराब कोई तो दारू का है तो स्वर्ग में भी दारू चलती है। वारुणी, वारुणी कह दो तो क्या, संस्कृत में वारुणी कहा है, उर्दू में शराब कहा है, हिंदी में दारू कह दो सीधा, दारू देसी दारू के ठेके। लेकिन बृहस्पति जी गुरुदेव सडनली अचानक आ निकले तो अप्सराओं ने तो नारी स्वभाव जैसे होता है अपनी वस्त्रों से बदन अपने तन ढक लिए, लेकिन इंद्र ने कोई परवाह नहीं की, पड़े रहे अलमस्त नग्न है, हाथ में शराब का जाम है, श्रीमद् भागवत की कथाएं, और कहने लगे अरे गुरुदेव ये क्या, ये कोई आने का वक्त है? हम जब ऐश आराम कर रहे हैं, आप गुरु हैं, आपको इतनी तो अक्ल होनी चाहिए कि इंद्र इस समय अप्सराओं के साथ होगा, शराब सुरापान कर रहा होगा, ये तो ठीक नहीं। सडनली आपने दरवाजा खोल लिया और अंदर आ गए, बड़े बदतमीज हैं आप, आपने वक्त देखा ने बेवक्त। कोई शिष्य शराब में तो शिष्य ऐसे ही बोलेगा, मदरा में शिष्य धुत्त है, तो गुरु हो या स्वयं भगवान हो वो तो कुछ न कुछ वो शराब के हिसाब से ही बोलेगा।
बृहस्पति जी को बहुत बुरा था कि अरे नालायक, अरे बदतमीज, गुरु अपने शिष्य के घर और शिष्य अपने गुरु के घर किसी भी समय जा सकता है, मित्र अपने मित्र के घर आधी रात को भी जा सकता है, दोष नहीं। ऐसे ही गुरु शिष्य के घर या शिष्य गुरु के घर किसी भी वक्त पर जा सकता है, कोई दोष नहीं है। जैसे नारी पति के घर कभी भी आ जा सकती है, कोई दोष नहीं है। यहां तक भी कि अपने पिता के घर भी कभी भी जा सकती है, आधी रात हो तो क्या है, उसका घर है, उसकी जन्मभूमि है, उसका पिता का घर है, मां का घर है, जा सकती है, कोई दोष नहीं है। अरे बदतमीज, नालायक, तू इंद्र के पद पर रहने काबिल नहीं, मैं तुझे शाप देता हूं, तू एक जन्म के लिए सुअर बन जा पृथ्वी लोक पर जाकर के। बृहस्पति जी ने पृथ्वी लोक चुना इंद्र के लिए, या इंद्र जी आके सुअर बन गए। फिर सुअर बन गए तो सुअर तो सुअर ही होते हैं, उनका भोजन भी विष्ठाई होता है, तो गंदी नालियों में उतरे रहे, दर्जन उनकी सुअरणियां पत्नी बन गई, 100 तकरीबन 100 बच्चे पैदा कर दिए, वो भी उनके साथ साथ नालियों में उतरे रहे और विष्ठा खाते फिरे सारे दिन। जब थकान हो जाती थोड़ी शीतल खुंडियां गंदगी की, वहां शीतलता का आनंद लें और मजे करते रहें। सुअर की योनि जब समाप्त होने को आई तो इंद्र बृहस्पति जी ने सोचा कि उस नालायक को ले वापिस लेके आऊं, मैंने शाप दे दिया था उसको, तो सुअर बना फिर रहा है पृथ्वी लोक पर, विष्ठा खाता फिरता है, आखिर तो मेरा शिष्य है। बृहस्पति जी आए लेने के लिए तो देखा कि अरे इसके तो दर्जनों तो रानियां साथ साथ घूम रही हैं, सैकड़ों बच्चे घूम रहे हैं और विष्ठा खा रहा है, विष्ठा ही खाएगा। बृहस्पति ने कहा इंद्र सुअर कैसे, सुअर तो अपनी भाषा में जवाब देगा, उन्होंने खों खों करके जवाब दिया कि क्या बात है। बोले मैं तेरा गुरु हूं बृहस्पति, इनफैक्ट गुरु बृहस्पति जी में पावर है, उनके शब्द में, सुअर की योनि में भी इंद्र को थोड़ा होश तो आया जब उन्होंने कहा कि क्या बात है, फिर गुरु हो तो मैं क्या करूं, और पिष्टा खाने लग गया। बोलो भाई सुनो तो सही, मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैंने तुमको शाप दिया था इसलिए तुम सुअर बने हो, चलो अब वापिस, स्वर्ग का सिंहासन खाली पड़ा है। लेकिन कथा कहती है कि इंद्र ने कंप्लीटली मना कर दिया कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, क्या करूं वहां जाकर के, है क्या वहां स्वर्ग में, है क्या, अरे यहां मेरी दर्जनों रानियां हैं, एक से एक सुंदर खूबसूरत, सैकड़ों मेरे बच्चे हैं, ये शीतल खुंडियां रहने के लिए, खाने के लिए सुंदर विस्तार, ये गटर नालियां ताजा से ताजा यहां खाने को मिलता है मुझे, क्या है स्वर्ग के अंदर, मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन बृहस्पति जी पावर है उनके अंदर, उन्होंने उनको और चैतन्यता दी, जगाया उनको, झकझोरा कि अरे मूर्ख तू सुअर है, सुअर की योनि में है, निकल इससे। आखिर जबरदस्ती उनको उस गटर में से, गंदी गटर में से निकाला गया, नालियों में से, गंदगियों में से, विष्ठाओं में से, निम्त सुअर की योनि में से उनको वापिस लेके गए बृहस्पति। लेकिन ये कथा से बड़ा ज्ञान मिलता है, आदमी जहां है वहीं पर वो अपने को सबसे अधिक बुद्धिमान और सुखी समझता है, जिस योनि में है चींटी भी मानना नहीं चाहती, चींटी को मालूम तो है कि मैं इतनी छोटी सी और मैं बड़े बड़े
दूसरे योनियों को देखती हूं, कोई हाथी देखती हूं, कोई मनुष्य देखती हूं, कोई ऊंट निकलता है, कोई घोड़ा निकलता है, किसी के पांव से भी दब जाऊंगी, बड़ी ये तो कोई योनि खास नहीं। लेकिन चींटी को थोड़ी सी आवाज करो तो ऐसे भागती है जैसे कोई नहीं मरना चाहता। तो जो जहां पर है वहां से कोई निकलना ही नहीं चाहता। कोई शराब, नंबर वन का शराबी है, वो शराब से नहीं निकलना चाहता। कोई दुष्कृतिनो है, नीच कर्म करता है, वहां से नहीं निकलना चाहता। एक कसाई है, मुझे मिलता है रास्ते में, मैं आता जाता हूं मंदिर जो, तो कभी दुकान के बाहर खड़ा मिल जाता है, सिगरेट पीता, तो मुझे बोलता है पुजारी जी जयराम जी की। तो मैं जयराम जी की तो कर लेता हूं लेकिन मैं खुश नहीं होता। आखिर एक दिन मैंने उसको समझाया कि तू ये रोज काट काट के बेचता है गऊ का मांस, बकरे का मांस, छोड़ दे, कोई और दूसरा जॉब कर ले। तू बार बार मुझे जयराम जी करता है तो मुझे तेरे ऊपर तरस आता है, क्यों ये कोई जरूरी है कि ये कटिंग ही करे। लेकिन वो बोलता है स्वामी जी इसमें हर्ज क्या है, तरबूज काटने वाले तरबूज काट के नहीं बेचते क्या, इसमें हर्ज क्या है। तो बताइए कैसे समझाओगे उसको, बड़ा मुश्किल हो जाता है। आदमी जहां पर है वहीं पर मन फूला फूला, कबीर जी ने गाया कि नहीं, मन फूला फूला फिरे जगत से कैसा नाता रे। नहीं वो तो मन मग्न अपने, कोई कितना ही कहे कि दुष्कर्म है, ये बुरे कर्म है, नीच कर्म है, करता है और सोचता है कि मैं कर रहा हूं ये परफेक्ट है, कोई इसमें क्या बुराई है। नहीं, लेकिन बुरे कर्म भी होते हैं, भले कर्म भी होते हैं, ये बुरे और भले के संयोग से ये संसार बना है। इसमें बुरे आदमी भी हैं, भले आदमी भी हैं, इसमें धर्मी भी हैं, अधर्मी भी हैं, इसमें न्यायिक राजा भी हैं और अन्यायिक राजा भी हैं, सभी प्रकार के लोग इसमें भरे पड़े, मित्र भी हैं, शत्रु भी हैं, प्यार भी है, वह मनुष्यता भी है, दुश्मनी भी है। लेकिन जो प्यार मिल रहा है मुफ्त में तो दुश्मनी क्यों माथे पे चढ़ाते हैं, क्यों ओढ़ते हैं, ये तो उन्हीं से पूछा जाए जो ऐसा करते हैं। यहां पर भगवान कहते हैं कि चार प्रकार के व्यक्ति मेरी शरण में नहीं आते। दुष्कृतिनो, जो बुरे कर्म करते हैं, नीच कर्म करते हैं, वो डरते हैं, वो मेरी शरण में आकर के वो भी मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं, वो भी मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं, वो भी मेरे धाम को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन नहीं आना चाहते। लेकिन कोई संत की कृपा हो जाए किसी नीच कर्म करने वाले के ऊपर, या कोई नर अधम के ऊपर, या कोई मूर्छित अवस्था में जीने वाले व्यक्ति के ऊपर, या आसुरी भाव में रहने वाले के ऊपर, जो भगवान को मानता ही नहीं कि भगवान है भी कहीं, अपने को ही भगवान मानता है, जस्ट लाइक हिरण्यकश्यप, हिरणाक्ष, रावण, कुंभकर्ण, दंतवक्त्र, शिशुपाल, जरासंध, ये कोई राम कृष्ण को मानने वाले नहीं, ये परमात्मा को मानने वाले नहीं, ये भजन ध्यान को मानने वाले नहीं। नरकासुर 16,000 विभिन्न प्रदेशों से लाई गई राजकुमारियां अपने तहखानों में, अपने महलों में छोटी छोटी उम्र की बालिकाओं को भी रखा हुआ है कि जो जो बड़ी होती जाएगी मैं भोग करूंगा इनके साथ। तो ये भगवान को मानने वाले हैं ऐसे असुर लोग। भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध किया,
भीमसेन से जरासंध का वध करवाया, शिशुपाल को अपने सुदर्शन चक्र से वध किया, दंतवक्र को भी वध किया, इनका कल्याण किया, इनको मुक्त किया उन आसुरी भावों से, उन राक्षसी भावों से, रावण का भी, कुंभकर्ण को, ऋणाक्ष ऋणाकश्यपु को, इनका कल्याण किया भगवान ने, कंस को। जगाई मगाई नाम के दो बड़े डाकू रहते थे वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल के अंदर पश्चिमी बंगाल में चैतन्य महाप्रभु जी अपनी भक्त वृंदों के साथ में भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करते हुए नित्य ही निकलते थे नगर नगर, गांव गांव, गलियों में होकर के, बाजारों में होकर के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, भजो श्री कृष्णा कहो श्री कृष्णा, लहो श्री कृष्णा को नाम रे, जो कोई श्री कृष्णा बोले वो है मेरे प्राण रे, कहो श्री कृष्णा। जब ये कीर्तन करते हुए एक दिन एक गांव से दूसरे गांव को जा रहे थे तो वन के अंदर जंगलों में पेड़ों में छुपे रहते थे ये महान हत्यारे डाकू थे, जगाई मगाई, जगाई मधाई। जब एक कीर्तन की आवाज सुनी इन्होंने, मृदंग बज रही है, करताल बज रही है, कीर्तन गा रहे हैं भक्त वृंद, सुरीली आवाजों में भगवान नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, चले जा रहे हैं इस रास्ते में, तो ये तो छुपे रहते थे पेड़ों के झुरमुटों में, शराब पीते रहते थे। कोई भी राहगीर जाए, कोई औरत जाए, कोई जाए, हाथ पांव काट देते थे, गहना छीन लेते थे, मार डालते थे। इन्होंने बाहर निकल के कहा बंद करो ये हरिनाम, बंद करो ये, तुम जिसको हम सुनना नहीं चाहते कानों से उसका ही नाम लेते हो, बंद करो। आखिर भक्त लोग कहां मानने वाले, कीर्तन करते रहे। तो उनमें से एक ने जो है शराब की मटकी वो खींच के मारी नित्यानंद महाराज को, सर फूट गया, खून बह निकले। चैतन्य महाप्रभु जी ने उनको भयभीत किया, सुदर्शन को आह्वान किया। चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण के भक्त अवतार हैं। इन रहस्यों को जानने के लिए तो बहुत शुद्ध भक्ति का स्तर होना चाहिए, वरना नहीं समझ में आएगा। लेकिन कोई संत महात्मा बोले तो स्वीकार लेना चाहिए, ये भी महानता है। नमस्कार, प्रोग्राम सत्यम शिवम सुंदरम में आपका हार्दिक अभिनंदन। विशेष योग